बेचा था सेल किया था बेचा हुआ वा आइटम वापस इन आ रहा है इसका मतलब रिटर्न इनवर्ट मतलब सेल रिटर्न हो गया राइट? आउटवर्ड मतलब कुछ हमने परचेज किया तब हम वापस कर रहे हैं बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल ये सब बुक्स जितना भी आपने देखा है इन बुक्स को ही कहते हैं क्या कहते हैं सब्सिडियरी बुक्स लर्न द टेक्निक ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स टू लेजर अभी हमने सुना था सीखा था समझा था कि जर्नल बुक से हम लेजर में लेके जाते हैं तो सर क्या जर्नल बुक से लेजर में लेके जाते तो अब ये जर्नल खत्म जर्नल टाटा बाय बाय तो क्यों सिखाया हमको जर्नल अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं कहा हमने आप अपने आप से समझ रहे हो जर्नल में क्या करते थे हम लोग जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जैसे 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 काम हो रहा था हम लिख रहे थे बट परचेज को इंपॉर्टेंट है हाँ जी इम्पोर्टेंट है सेल इम्पॉर्टेंट है हाँ जी इम्पोर्टेंट है तो कुछ आइटम्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको जर्रलाइज नहीं करेंगे ठीक है नॉट रिक्वायर्ड परचेज का ट्रांजेक्शन परचेज बुक से ले लो सेल्स का ट्रांजेक्शन सेल्स बुक से ले लो इनवर्ड एंड आउटवर्ड का इससे ले लो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल का ये एक अलग किताब बनाएंगे तो जर्नल दो बार नहीं करेंगे काम ठीक है पहले जर्नलाइज करो फिर परचेज बुक में नहीं नॉट रिक्वायर्ड तो अगर हमें परचेज का कुछ भी डिटेल्स चेक करना है या परचेज बुक से परचेज बुक जो है अपना जिसमें सारा क्रेडिट परचेज इट क्रेडिट उधार का जितना भी है क्रेडिट परचेज यहां से अब हम लेजर में डायरेक्ट ले जाएंगे इतना सही बात समझाना था तो ठीक है अब इसके बाद लर्न द टेक्निक ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स टू लेजर रूल्स अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है हालांकि मैं ये वर्ड रूल्स को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ मैं कॉन्सेप्ट्स को पहला प्रायोरिटी देना चाहता हूँ रूल्स से आप बनोगे क्लर्क हंड्रेड परसेंट गारंटीड कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो यू कैन बिकम अ ग्रेट मैनेजर ग्रेट मैनेजर एंड यू कैन बी अ ग्रेट ओनर ऑफ योर बिजनेस ग्रेट ओनर ग्रेट मैनेजर एंड देन यू कैन रैदर हेल्प लॉट ऑफ क्लर्क्स बिकमिंग ग्रेट मैनेजर्स। प्रिंसिपल बुक का मतलब है अपना लेजर लेजर को अपने कहते हैं प्रिंसिपल बुक और साथ में इन्होंने जोड़ दिया कैश बुक्स कैश बुक एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग कैश बुक इज़ एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ लेजर ओनली ठीक है बट क्योंकि कैश है पैसा है लक्ष्मी जी है तो इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया गया लेजर बोलने से ही हो जाता प्रिंसिपल बुक लेजर मतलब ही प्रिंसिपल बुक बट कैश कोई भी बिजनेस के लिए कैश बहुत इंपॉर्टेंट है कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट है तो रूल्स जो है जो लेजर बनाने का जो भी कॉन्सेप्ट है हम लोग यूज करते हैं कोई भी अकाउंट का लेजर बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वैसा ही कॉन्सेप्ट हम कैश बुक में यूज करते हैं तो कॉन्सेप्ट अगर सेम है तो वही एक ही बात है मगर इसका मतलब ये हो रहा है कि कैश बुक को भी प्रिंसिपल बुक कहा जा रहा है इसका मतलब ये हो रहा है ठीक है प्रिंसिपल बुक मतलब होता है लेजर जितने भी लेजर है सबके सब प्रिंसिपल सब बुक होते हैं मगर स्पेशल मेंशन दिया जा रहा है स्पेशल रिकग्निशन दिया जा रहा है कैश बुक सब्सिडरी बुक्स परचेजेस सेल्स बुक परचेज एंड सेल्स रिटर्न बुक्स बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल बुक्स जर्नल प्रॉपर फॉर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन सच बुक्स देर विल बी नो जर्नल एंट्री भाई एक चीज को दो बार करने का क्या दरकार है इसीलिए देर विल बी नो जर्नल एंट्री और जर्नल प्रॉपर लास्ट में रह गया दोस्त जर्नल प्रॉपर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द सेवन बुक्स मैंशनड अबब तो जो सात किताबों में नहीं आए वो जनरल प्रॉपर में आए फाइनेंशियल बुक का जो प्रिंसिपल बुक है ऑफ़ कोर्स डेट इज़ लेजर और कैश बुक जो है वो भी प्रिंसिपल बुक है कैश बुक भी भैया बड़े अलग अलग टाइप के कैश बुक है ये हम पढ़ेंगे कैश बुक के नेक्स्ट यूनिट पे ठीक है तो सिंपल कैश बुक कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम अरे भैया क्या बात है ठीक है कैश बुक विद बैंक कॉलम पेटी कैश बुक तो इतने प्रकार के कैश बुक होते हैं भैया तो प्रिंसिपल बुक का कहानी यहाँ से हुआ खत्म सब्सिडरी बुक में परचेज सेल्स परचेज रिटर्न सेल, 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 सेल रिटर्न बिल रिसीवेबल बिल पेबल चल तो जितने भी उधारी का सामान है इस सब के सब आएंगे हमारे परचेज बुक में कैसे होता डेट कैश परचेज आर नॉट एंटर्ड इन दिस बुक दीज विल बी द कैश बुक क्रेडिट परचेजेस ऑफ थिंग्स अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है यार ये उधारी में हमने कंप्यूटर खरीद लिया कंप्यूटर एप्पल का वो भाई एप्पल कंप्यूटर हमने खरीद लिया प्रिंटर हमने खरीद लिया मोटर बाइक तो क्या ये भी ये भी क्या क्रेडिट में खरीदा परचेज बुक में डाल दो नहीं दोस्त ये तो गलत हो जाएगा दे आर नॉट एंटर्ड इन द परचेज बुक ठीक है भाई द रफ बुक ऑफ मैसेज नारायण 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 फॉलोइंग ये बात है 2016 फरवरी का भूलिएगा मत तो 2016 फरवरी में रफ बुक से हमें यह पता चला कि हमने ब्राउन एंड कंपनी से कुछ उधारी में खरीदा है। उधारी में खरीदा तो ये हमारा परचेज बुक में जाएगा बारह डजन को कहते हैं ग्रॉस तो हम क्या करेंगे फाइव ग्रॉस पेंसिल्स एट हंड्रेड पर ग्रॉस क्वांटिटी एंड प्राइस ध्यान रखिएगा कि क्वांटिटी ग्रॉस में दिया है और प्राइस डजन में दिया है तो ये सब कन्वर्जन करना होगा बुद्धि लगाना होगा तो वन ग्रॉस रजिस्टर मतलब अच्छा दाम दिया हुआ में तो भैया ग्रॉस मतलब होता है बारह डजन परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट टेन ग्रॉस एक्सरसाइज बुक एट थ्री हंड्रेड पर डजन सर सर यहाँ कैश में परचेज़ किया सर तो आप क्यों माथा लगा रहे हो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अरे तो बोलो ना यार ऐसे ठीक है अब आपने बोला दिल से बोला दिल की आवाज़ मेरे दिल तक पहुंच गई तो आपने एकदम सही फरमाया दुरुस्त फरमाया कि जब कैश में खरीदा तो परचेज़ बुक में क्यों जाएगा ठीक है तो नहीं करेंगे जाइए गो आई विल नॉट डू दिस ओके परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस फ्रॉम मेस ऑफिस गुड्स एंड कंपनी ऑन अ क्रेडिट ऑफ थर्टी थाउजेंड सर यहाँ तो उधार में ख़रीदा है सर तो यहाँ तो आएगा अरे भाई आएगा मगर ये कंप्यूटर ख़रीदा है दोस्त क्या ये गुड्स एंड मटेरियल खरीदा है सोच के देखो यार क्या होगी आप अभी तो मैंने बताया नहीं सर ये भी नहीं आएगा अरे सर तो क्या सर एंट्री नंबर वन लिखने से पाँच नंबर मिल जाएगा क्या पता आपकी किस्मत तो भैया बट एंट्री नंबर फोर एंड फाइव भी देख लेते हैं फोर है पेपर कंपनी से ख़रीदा है क्रेडिट में ख़रीदा है तो हमने क्या बोला था परचेज़ बुक लिखेंगे और टिक करेंगे ठीक है तो पहला काम ये है फिर हमने फाइव रीम्स ऑफ वाइट पेपर खरीदा एक सौ पर रीम में तो ये पाँच सौ हुआ दस रीम ऑफ रूल्ड पेपर खरीदा डेढ़ सौ पर रीम में तो ये साढ़े सात सौ हुआ बारह सौ पचास हुआ और हमें मिला है एक सौ पच्चीस रुपया का ट्रेड डिस्काउंट फिर हम आइए नंबर फाइव पे परचेज वन डजन जेल पेन क्या बात है जेल पेन एक दर्जन में होता है बारह पीस बारह पीस एंड फिफ्टीन रुपीज इच 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 तो इंटू फिफ्टीन तो बारह इंटू पंद्रह होता है एक सौ अस्सी रुपया क्या हमें इसमें कोई डिस्काउंट मिला है अरे भैया पेन में डिस्काउंट क्यों नहीं दिया नहीं दिया मेरी मर्जी कोई बात नहीं हाँ तो बस देखो यही है सिंपल सा सुनहरा सा प्यारा सा परचेज बुक जहाँ सिर्फ तीन एंट्री आएगी नाम देंगे भैया जिससे खरीदे हैं नाम दे रहे हैं पेपर कंपनी से ख़रीदा और वर्मा ब्रदर बड़े कंजूस डिस्काउंट नहीं दिया उन्होंने हमें वर्मा जी आपसे दोबारा पेन नहीं ख़रीदेंगे तो पाँच सौ अट्ठाईस सौ अस्सी थ्री थ्री एट टेन परसेंट थ्री ज़ीरो फोर टू एटीन हंड्रेड वन एट्टी टोटल आया इतना फाइव ज़ीरो डबल टू अब देखो भैया ये बोल रहे हैं अरे आप क्या बोल रहे हैं हमें मालूम है नोट द परचेज ऑफ कैश एंड परचेज ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट बी एंटर्ड इन टू परचेज बुक आपका क्या सुनता है हमें तो पता है तो जब हम लेजर बुक में एंट्री करेंगे बाई परचे ब्राउन एंड कंपनी को जब हम ये देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि ये थ्री ज़ीरो फोर टू इसको देना है इसको एटीन हंड्रेड देना है ये इलस्ट्रेशन टू आप देखिए और करने का चेष्टा करिए बहुत ईजी है और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने सब ने किया होगा सही तरीके से परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइज डेली वन हंड्रेड डजन रेक्सोना हवाई चप्पल क्या बात है एट द रेट ऑफ वन पर डजन तो सिक्सटी प्लस 12 टू थाउजेंड इसमें से सात हज़ार दो सौ माइनस करेंगे सिक्सटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड तो परचेज सिक्सटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड फ्लैट एक सौ पचास रुपया तो अजय एंटरप्राइज सिक्स फोर नाइन फाइव जीरो इस पूरे महीने में तीन बार हमने परचेज किया तो इस महीने में पूरा परचेज चार अप्रैल का परचेज आ गया है पंद्रह अप्रैल का परचेज यहाँ है अट्ठाइस अप्रैल का परचेज यहाँ है लेजर हम डायरेक्ट परचेज बुक से लेकर जाएंगे यही डिस्कशन किया था हाँ जी किया था तो परचेज अकाउंट का जब लेजर हमको बनाना है तो इसका टोटल तो मुझे यहाँ से मिल जा रहा है ये है टोटल परचेज ये है टोटल फ्रेट ठीक है और बाकी पार्टीज जो है मेरे जैसे अजय एंटरप्राइज सिक्स फोर एट डबल ज़ीरो का परचेज डेढ़ सौ रुपया का फ्रेट क्योंकि कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट नहीं हुआ है मेरे दोस्त तो इसका मतलब है कि ये डेढ़ सौ रुपया भी अजय एंटरप्राइज को हमें देना है इज़ इट क्लियर पैसा हमें अजय एंटरप्राइज को देना है बट ये पैसा हम दे रहे हैं फ्रेट के एवज में परचेज़ के एवज में नहीं दे रहे हैं फ्रेट के एवज में दे रहे हैं ठीक है तो फ्रेट इज नॉट इक्वल टू परचेज तो बस यही समझाना था बाकी तो मुझे पूरा यकीन है अब जब ये चीज़ समझ लिया आपने तो ये बाकी सारा काम आप आराम से लेजर में पोस्टिंग जो भी करना है आप आराम से कर लोगे उसी प्रकार से बालाजी एंटरप्राइज उसी प्रकार से तृप्ति एंटरप्राइज ठीक है कुछ नया चेंज नहीं है सिर्फ परचेज में देखो देखने से सब कुछ एकदम सिंपल है और है भी सिंपल बट थोड़ा सा हम क्या करने का कोशिश कर रहे हैं आपको एकदम ब्रश अप करा रहे हैं रखिएगा कैश सेल अगर होगा तो कैश बुक में जाएगा एंड नॉट इन द सेल्स बुक क्रेडिट सेल्स ऑफ थिंग्स अदर देन द गुड्स डेल्ट इन द फर्म आर आल्सो नॉट एंटर्ड इन द सेल्स बुक ये सब बात पहले कर चुके हैं दे आर जर्नलाइज द रूलिंग इज द सेम एज फॉर द परचेज बुक तो ये भी बात क्लियर हो गया सोल टू मेसेज गुप्ता ऑन क्रेडिट तो टीस शर्ट बेचा है आठ सौ रुपया करके तो ये मेरे ख्याल से चौबीस हजार बीस ट्राउजर बेचा है एक हजार करके तो ये हो गया बीस हजार तो चौबीस चौलीस का दस परसेंट डिस्काउंट होगा चार हजार चार सौ सोल्ड फर्नीचर फर्नीचर का डीलिंग क्या हम करेंगे यहाँ पर नहीं करेंगे सोल्ड फिफ्टी शर्ट्स टू मैसेज जैन एंड सन एट एट हंड्रेड पर शर्ट तो ठीक है ये चालीस हज़ार हो जाएगा कोई डिस्काउंट नहीं है सोल्ड थर्टीन शर्ट्स टू चीप स्टोर्स एट सेवन फिफ्टी फॉर कैश तो ये भी हमारा एंट्री नहीं आएगा सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मैसेज माथुर एंड जैन ये होगा सात हज़ार पाँच सौ होगा सात हजार पाँच सौ ठीक है नहीं सर यह होगा पचहत्तर हजार चलो ठीक है भाई अगर आप बोल रहे हो तो पचहत्तर हजार कर दे रहा हूँ मैं दस ओवर कोट पाँच हजार पर ओवर कोट तो ये पचास हजार ठीक है और डिस्काउंट भी मिला इनको टेन परसेंट तो माइनस पचहत्तर एक लाख बारह हजार पाँच सौ पैकिंग वैकिंग का कुछ बोल नहीं रखें तो यहाँ चौलीस हजार यहाँ डिस्काउंट है यहाँ चालीस हज़ार और यहाँ एक लाख पच्चीस हज़ार माइनस डिस्काउंट तो आइए देख लेते हैं तो सेल्स बुक गुप्ता जी का जी चवालीस हज़ार ठीक है जी इनका जी चालीस हज़ार ठीक है जी इनका एक पच्चीस में से ये ठीक है जी तो टोटल ये है जी तो ये बता रहे हैं कि कैश सेल एंड सेल ऑन फर्नीचर इज नॉट एंटर्ड अब हमें बात करना सेल्स रिटर्न बुक्स और रिटर्न इनवर्ड बुक कुछ हमने माल बेचा माल वापस आ गया ठीक है तो ये नहीं रीड कर रहे हैं कुछ खास रीड करने का है भी नहीं जो हमने कहा है वही है ठीक है रिटर्न इनवर्ड्स सुनील बंका एंड कंपनी होना चाहिए सिक्स कॉपीज डबल एंट्री रिटर्न एज पर डेबिट नोट नंबर कैलाश वन कॉपी मेथड आर के गुप्ता ठीक है जी ये रिटर्न हुआ है परचेज रिटर्न कुछ परचेज किया था हमने ये रिटर्न हो गया ये रिटर्न हो गया पोस्टिंग करना हमें <coughs> तो ये रिवर्स एंट्री कर देंगे दोस्त एक कस्टमर था हमारा दिलीप एक लाख रुपया का सामान उसे बेचा था हमने टू सेल्स कर दिया हमने एक लाख एक दो तीन चार पाँच अब दिलीप ने बीस हजार का गुड्स वापस भेज दिया तो जो हम क्रेडिट नोट का बात कर रहे हैं बेसिकली कुछ नहीं है कि अब हम दिलीप का अकाउंट जो डेबिट था हमको बाई सेल्स रिटर्न लिख के बीस हजार क्रेडिट करना होगा क्या नहीं होगा दिलीप जो है उसको हम क्रेडिट करेंगे हुँ? और यहाँ देखो सेल्स रिटर्न जो है ये तो डेबिट हो गई टू दिलीप बोलकर ठीक है ये ध्यान अगर आप दे रहे हो तो ये लेजर दिलीप का है ये लेजर सेल्स रिटर्न का है ठीक है तो दिलीप का जो लेजर है क्या ये सब्सिडरी बुक का लेजर है नहीं जी सेल्स रिटर्न जो लेजर है क्या ये सब्सिडरी बुक का लेजर है हाँ जी तो क्रेडिट नोट कुछ खास नहीं है क्योंकि ऑर्डर हमें दिलीप को क्रेडिट करना ही पड़ेगा क्रेडिट नोट एक कंफर्मेशन है राजेंद्र प्रकाश रिटर्न आउटवर्ड हो रहा है ठीक है रिटर्न आउटवर्ड हमने कुछ खरीदा था उनको वापस कर रहे हैं और मॉडर्न इलेक्ट्रिक से भी कुछ खरीदा था उसको भी वापस कर रहे हैं तो राजेंद्र प्रकाश के लेजर में आ गए हम जब हम किसी से खरीदते हैं तो उनका क्रेडिट बैलेंस होता है यहाँ दिखाया नहीं जा रहा क्योंकि हमें पता नहीं है कि राजेंद्र जी का ओपनिंग बैलेंस कितना है ये सब कुछ पता नहीं है वरना यहाँ होता बाई बैलेंस बी डी ठीक है क्योंकि अभी इस न्यूमेरिकल में ये कहीं मेंशन नहीं किया है इलेस्ट्रेशन फाइव में बताया नहीं है कि राजेंद्र से एक सामान कितना का खरीदा था सिर्फ रिटर्न आउटवर्ड का बात हो रहा है तो क्योंकि हमें नहीं पता है तो जो भी होता तो यहाँ बैलेंस लिखा रहता क्रेडिट साइड में बट हमने एक सौ रुपया का रिटर्न कर दिया है टू रिटर्न आउटवर्ड्स एक सौ उसी हिसाब से मॉडर्न का भी एक सौ रुपया रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट जो है ये हमारा दो सौ अस्सी रुपया टोटल इधर आ गया यहाँ 280 अस्सी क्यों आया है कोई अगर मुझे बताए क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट हमारा सब्सिडरी अकाउंट है तो सब्सिडरी में हम लोग टोटल डालते हैं टोटल तो ये टोटल है दोस्त दो सौ अस्सी रुपया टोटल था ध्यान दीजिए यहाँ देखिए ये दो सौ अस्सी रुपया टोटल था रिटर्न आउटवर्ड्स जो है ये हमारा सब्सिडरी बुक है सिंगल सिंगल जर्नल में होता है तो इसका से टोटल हम डालेंगे लेजर में। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक्स इफ द फर्म यूजुअली रिसीव्स नंबर ऑफ प्रोमिसरी नोट्स और हुंडीज, इट वुड बी कन्वीनियन टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन सेपरेट बुक कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल बुक

बिल ट्रांजैक्शन भी पता चल गया रिसीवेबल एंड पेबल में अगर ये मेंटेन्ड होते हैं तो अब अपार्ट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन मैं देर आर सम एंट्रीज ऑल्सो विच रिकॉर्डेड फॉर देम द प्रॉपर प्लेस इज द जर्नल हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्त कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर हम लोग का एनालिसिस गलत हो रहा है तो सब कुछ गलत हो जाएगा ठीक है तो ये सब तो चलो ट्रांजैक्शन हुए हैं ट्रांजैक्शन बेस्ड थे ट्रांजैक्शन हुआ कुछ सामान खरीदा गया कुछ बेचे कैश आया कैश गया कुछ कुछ बेचे थे वो वापस आया कुछ खरीदे थे कुछ वापस भेज दिए दी तो दीज आर ऑल ट्रांजैक्शन बेस्ड और कोई भी बिजनेस में जनरली ट्रांजैक्शन तो होते ही रहते हैं तो ऑल द ट्रांजैक्शन बेस्ड फाउंड द प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडरी बुक्स बट अब हम बात करेंगे दोस्त इंटेलिजेंस का दिमाग का कुछ एनालिसिस का वो सब जब हम अपने दिमाग से कुछ समझते हैं वो सब एंट्रीज कहाँ जाएगी क्योंकि अगर हम जनरल एंट्री नहीं करेंगे तो लेजर में नहीं जाएगा लेजर में नहीं जाएगा तो ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा लास्ट में अपने ये तो बोल नहीं सकते हैं कि भैया हमने एंट्री करना हम भूल गए फॉर टू डू द एंट्री राइट तो एंट्री करना भूल तो सकते नहीं एंट्री तो करना पड़ेगा ओपनिंग एंट्रीज ओपनिंग बैलेंस हम लोग देखते हैं हाँ जी तो व्हेन बुक्स आर स्टार्टेड फॉर द न्यू ईयर

जो एक साल के अंदर का खर्चा है दे आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट सारे नॉमिनल अकाउंट कहाँ ट्रांसफर हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में दिस इज़ डन थ्रू जर्नरल एंट्रीज कॉल्ड क्लोजिंग एंट्रीज अब अगर हम कोई गलती कर दें गलती को सुधारना है रेक्टिफाई करना है सो इफ एन एरर इज़ कमिटेड इट इज़ रेक्टिफाइड थ्रू जनरल एंट्री अब ट्रांसफर एंट्रीज इफ सम अमाउंट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर तो ट्रांसफर विल बी मेड थ्रू अ जर्नल एंट्री एडजस्टिंग एंट्रीज देखो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस देखो इसका नाम गलत है प्रीपेड एक्सपेंस लिख रखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेप्रिसिएशन ये सब कैसे होते हैं ये सब एडजस्टिंग एंट्रीज है एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम मे हैव टू बी एडजस्टेड फॉर द अमाउंट्स रिसीव्ड इन एडवांस एंड ऑफ द ईयर हम देख रहे हैं तो भाई ये अमाउंट हमको एडवांस में मिल गया है ये हमारा इनकम में नहीं आना चाहिए इस साल और फॉर द अमाउंट्स नॉट येट सेटल्ड इन कैश कैश नहीं दिया है सच एन एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू जर्नल एंट्रीज यूजअली द एंट्रीज पर टेंड टू द फॉलोइंग हम देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेप्रिसिएशन फॉर ऑल दीज जर्नल एंट्रीज आर नेसेसरी एंट्रीज ऑन डिज ऑनर ऑफ बिल्स डिज ऑनर ऑफ बिल्स इफ समन एक्सेप्टेड अ प्रोमिसरी नोट और बिल इज नॉट एबल टू पे इन द ड्यू डेट द जनरल एंट्री विल बी नेकॉर्ड द नॉन पेमेंट ऑफ ऑर द डिज ऑनर क्योंकि पैसा मिलना था नहीं मिला मिसलीनियस एंट्रीज भी होती है दोस्त फॉलोइंग एंट्रीज क्रेडिट परचेज ऑफ थिंग्स अदर देन गुड्स और मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एग्जांपल क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर और मशीनरी विल बी जर्नलाइज एन अलाउंस टू बी गिवन टू कस्टमर और अ चार्ज टू बी मेड टू देम आफ्टर द इश्यू ऑफ इन उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आ गया कुछ पैकिंग स्पेशल पैकिंग चार्जेस आ गया कुछ डिले का कुछ भी चार्ज आ गया तो जनरल ट्रेड पार्लेंस के हटके रिसिप्ट अ प्रोमिसरी नोट और इशू टू दैम इफ सेपरेट बिल बुक्स है ठीक है तो इसका भी जर्नल एंट्री होगा ऑन दी अमाउंट बिकमिंग इबल से बिकॉज ऑफ कस्टमर बिकमिंग इंस्टॉलमेंट तो इसका भी अपने जर्नल एंट्री करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट सचेज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बाई फायर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रोफिट से कैपिटल अकाउंट जाता है इसका भी जर्नलाइज करते हैं तो अपने को जनरल एंट्रीज का भी महिमा पता चल गया जनरल प्रॉपर पता चल गया इलास्ट्रेशन सिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर द परचेज रिटर्न बुक ऑफ एल्फा एंड कंपनी अ साड़ी डीलर एंड पोस्ट देम टू लेजर बहुत ईजी आप होमवर्क में कर सकते हैं तो मोरोलेस ये चैप्टर हमने आज खत्म कर दिया दोस्त ट्रायल बैलेंस का होमवर्क दिया गया था आपको तो सिंघानिया जी का कैपिटल अब ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है याद रखिएगा तो बिजनेस बोल रहा सिंघानिया जी सिंघानिया जी आपका कैपिटल पंद्रह सौ छप्पन राइट बिजनेस कहता है ये ये लाइब्रेटी है मुझे देना है तो क्रेडिट साइड में है ना देना है तो ये एकदम सही है ठीक है इस तरीके से अपने चेक कर लेते हैं जिससे क्या आपने जो इतना मेहनत किया कॉन्सेप्ट में वो भी चेकिंग हो जाएगा सिंघानिया जी का ड्राॅइंग्स सिंघानिया जी का ड्रॉइंग्स मतलब क्या है सिंघानिया जी तुम्हें इतना पैसा देना था कितना देना था वन फाइव फाइव सिक्स इतना देना था सिंघाने जी आपने 564 पैसा ले लिया है फाइव ले लिया माइनस करेंगे माइनस होता है डेबिट साइड में तो ये डेबिट साइड में लिखा हुआ है इसका मतलब सही है चेक करना पड़ेगा ना भाई ये जो बैलेंस देखो इन्होंने जो बैलेंस लिखा है इन्होंने सिर्फ लास्ट में बैलेंस लिख दिया लेजर में इन लोगों ने क्या काम किया डेबिट साइड को क्रेडिट क्रेडिट को डेबिट कर दिया तो हो गया ना गलत अगर ये गलत भी किए होंगे तो हम तो चार्टेड अकाउंटेंट हैं हम तो बुद्धिमान है हम समझ लेंगे हम पकड़ लेंगे ठीक है जी तो यहाँ लीज होल्ड प्रमाइस लीज होल्ड प्रमाइसिस हमारा एसेट है तो ये हमेशा प्लस साइड में होता है तो ये डेबिट बैलेंस है ठीक है सेल किया हमने सेल किया है तो जब भी हम सेल करते हैं पैसा आता है पैसा आता है तो मालिक को पैसा देना है तो ये प्लस इधर हो जाता है क्योंकि सेल हम कैपिटल का हिस्सा मानते हैं राइट right? मानते हैं क्या नहीं हाँ जी मानते हैं तो सेल किया हमने सताईस सौ पचास रुपये का तो ये भी सही है अच्छा जी ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स कस्टमर कौन होता है जिनको हम सामान बेचते हैं और ड्यू मतलब हमने सामान उधारी में बेचा है तो भाई जब हम सामान बेचते हैं तो हमारा वो एसेट हो गया कस्टमर तो एसेट हमारा इंक्रीज हो गया तो प्लस साइड में होता है प्लस साइड मतलब डेबिट साइड में होता है तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर डेबिट साइड में होना अरे ये क्या सिंघानिया जी ये आपने क्या कर डाला और सिंघानिया जी ये क्या कर डाला मुँह काला करा दिया ना अपना सिंघानिया जी वेरी बैड सेम ओन सिंघानिया जी ड्यू फ्रॉम कस्टमर अरे भैया कस्टमर से लेना है पाँच सौ तीस रुपया देना थोड़ी ना है लेने के जगह देंगे क्या पाँच सौ तीस प्लस पाँच सौ तीस एक तो लेंगे नहीं और दे देंगे तो उल्टा एक हज़ार साठ रुपये का नुकसान करा दोगे आप अच्छा हुआ आपने हमारे जैसे अकाउंटेंट को रख लिया हमको तो क्या देंगे आप चलो आपका नुकसान बचा देते हैं सिंघानिया जी तो ये पाँच सौ तीस रुपया भाई यहां से हटेगा और ये 530 सौ तीस रुपया यहाँ आएगा सर अगर ये 530 सौ तीस यहाँ आएगा तो फिर ये टोटल तो दोनों का मैच नहीं करेगा बिल्कुल सही कहा जिस बच्चे ने भी ऐसा सोचा बिल्कुल सही सोचा क्योंकि सर यहाँ से माइनस फिफ्टी फाइव थर्टी हो जाएगा और सर यहाँ तो प्लस फाइव थर्टी हो जाएगा तो ठीक है इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो देखते हैं ना अभी अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त पर सर जब भी हम परचेज करते हैं ना तो मालिक जो है मालिक तेरा ही पैसा खर्च कर रहे हैं तेरा पैसा खर्च कर रहे हैं मतलब माइनस तेरा पैसा माइनस तो यहाँ डेबिट बोलते हैं माइनस को तो ठीक है ठीक है भाई परचेज़ किया वन टू फाइव नाइन का ये भी ठीक है अरे भाई जब हम परचेज को रिटर्न करते हैं ना तो जो पैसा मालिक का माइनस हुआ था वो पैसा वापस प्लस हो जाता है तो माइनस प्लस एक जगह तो नहीं करते हम लोग बट हम लोग प्लस को इधर लेकर आते हैं तो भैया ये तो क्रेडिट होना चाहिए और भैया परचेज रिटर्न को क्या कर दिया आपने ये क्या कर दिया आपने सिंघानिया जी ये क्यों किया आपने आपको एकदम भी नहीं आता अकाउंट्स करना तो ये भैया इधर से कटेगा तो भैया कट जा तो 264 भैया इधर आ जा तो चलो कुछ हद तक तो हिसाब किताब चल रहा है देखते हैं लोन फ्रॉम बैंक हमने लोन लिया है लोन हमारा लाइबिलिटी है लाइबिलिटी बढ़ गया क्रेडिट साइड तो लोन फ्रॉम बैंक दो सौ छप्पन हाँ जी एकदम सही है ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल मतलब पैसा देना है लाइबिलिटी है इंक्रीज हो गया है तो क्रेडिट होगा ट्रेड पेबल क्रेडिट होगा अरे सिंघानिया जी वॉट इज रॉन्ग विथ यू मैन जिनको पैसा देना है अब उनसे पैसा लेने का बात कर रहे हैं अरे मारेंगे आपको पकड़ के तो ये फाइव ट्वेंटी एट इसको काट के हम इधर कर देंगे ट्रेड एक्सपेंसेस भैया एक्सपेंस जब भी होता है मालिक का खर्चा होता है मालिक का खर्चा माइनस हो, हो रहा है तो ये डेबिट हो रहा है ट्रेड एक्सपेंसेस सात सौ रुपया ये तो डेबिट है ठीक है कैश एट बैंक ये तो डेबिट बैलेंस ठीक है बिल्स पेएबल बिल्स पेएबल ये क्या हो रहा है सिंघान्या जी बिल्स पेएबल है तो पेएबल मतलब क्रेडिट लाइबिलिटी आपने गलत किया थी सौ रुपया कट जाएगा सौ रुपया यहाँ सैलरीज एंड वेजेस छः सौ रुपयाट्रीज एज ऑन फोर टू थाउजेंड फिटीन ये वन फोर टू थाउजेंड फिफ्टीन इन्वेंट्री तो मेरा एसेट होता है ओपनिंग एसेट होता है याद करो इन्वेंट्री को एक दिन के लिए बैलेंस शीट गोद लेता है तो ये हम बुक्स बना रहे हैं थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च 2016 तो फर्स्ट अप्रैल को जब मेरा इन्वेंट्री था तो ये क्रेडिट कैसे हो सकता सिंघानिया जी इन्वेंट्री कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता एसेट कैसे क्रेडिट होगा तो सर सिंघानिया जी ये यहाँ से कट के यहाँ आएगा रेंट्स एंड रेट्स टू ये फोर सिक्सटी थ्री एकदम सही है डेबिट में है जब भी हम सेल करते हैं सिंघानिया जी जब हम सेल करते हैं तो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है और जब हम सेल रिटर्न करते हैं सिंघाना जी तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए कि आप क्या गलती कर दिए तो यहाँ नाइन्टी एट आएगा तो भैया ये करने से अपना देखो ये गलती हम लोगों ने निकाल लिया तो जो गलती हमने निकाला है वो देखिए सिर्फ रेड रेड को टोटल करिए तो ज़ीरो फोर एंड टू एट फोर ट्वेल्व एंड जीरो ट्वेल्व वन थ्री फोर टेन एंड नाइन नाइनटीन कैरी वन सिक्स टू एट एट नाइन्टी टू अच्छा जी अच्छा जी और यहाँ एट फोर ट्वेल्व का टू कैरी वन सेवन और टू नाइन नहीं 5 टू 7 और 8 अरे वाह तो ये 892 892 देखो गलती था राइट ये गलत था दोनों जगह पे बराबरी का गलती था कंपेंसेट हो गया पता ही नहीं चला तो ऐसा भी कभी-कभी हो जाता है तो ऐसे एरर को दोस्त कहते हैं कंपेंसेटरी एरर्स तो कुल मिला के इसीलिए टोटल वही का वही रह गया और सिर्फ हमने जो करेक्शन किया है वो किया है तो देखते हैं ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स इज एन एसेट सो इट बी अ डेबिट बैलेंस कि हमने कुछ ऐसा ही किया था स्टार्टिंग में ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स ठीक है जी परचेज रिटर्न याद है हमें किया था बैलेंस टू

और हमने ट्रायल बैलेंस का भी ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाया है अब यह सब ज्ञान का रियल टेस्ट होगा जब हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। गलती वही इंसान सबसे अच्छा तरीका से पकड़ सकता है जो ज्ञानी बाबा हो राइट तो ज्ञान अगर नहीं है ज्ञान अधूरा है तो गलती भी नहीं पकड़ पाओगे ठीक से तो रेक्टिफिकेशन ऑफ़ एरर्स जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना गया है क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ़ एरर्स चैप्टर से आपका ये सब बेसिक्स को वो आराम से टेस्ट कर लेते हैं ठीक है तो ये सारा तैयारी जो हो रहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ़ एरर्स का तो चैप्टर का तैयारी हो ही रहा है बट साथ में कहीं ना कहीं अगर आप मजबूत हो जाते हो तो नेगेटिव क्यों सोचें हम अपने आप को इतना मज़बूत कर लेंगे कि हम कोई गलती करेंगे ही नहीं थैंक यू वेरी मच